हेलो नमस्ते, मैं हूँ शेफ गंगाधर। आप सब लोग देख रहे हैं गंगाधर फूड ब्लॉग। चलिए आज हम लोग बनाएंगे रोटी चपाती बनाएंगे, लेकिन ये चपाती तावा में नहीं बनाएंगे, एक मशीन के जरिए बनाएंगे। चलिए अभी आटा लगाने का शुरू करते हैं। 160 पीस रोटी अभी बनाएंगे, तो इसमें 4 किलो आटा अभी हम लोग मशीन में लगाते हैं। चलिए आटा लेते हैं मशीन में, और इसमें अभी हम लोग 25 ग्राम करीब नमक ऐड करेंगे। अभी मशीन अभी हम लोग आटा का मशीन अभी रनिंग हो चुका है। इसमें पानी ऐड करेंगे, हाथ में आटा लगाने में तो काफ़ी देर लगता है, लेकिन इसमें 2 मिनट का अंदर आटा अभी घून के तैयार हो जाएगा और रोटी बड़ा सॉफ्ट होगा। अभी आटा जो हमारा मस्त अभी मशीन घून रहा है। अभी ये रोटी मशीन है, और रोटी बनाने से पहले करीब करीब 15 मिनट पहले मशीन को ऑन करना पड़ता है। और ये देखिए, ये उसका ब्लेड है, और ये उसका और इसका इसका नॉनस्टिक जो प्लेट है यहाँ पे लगा हुआ है। और अभी इसमें अभी हम लोग रोटी का गोला बना कर छोड़ेंगे, और ये इसका सारे टेम्परेचर का सिग्नल दिया हुआ है। अभी इसको जलाई के ऑन करके दिखाएंगे, और ये पीछे की तरफ इसका सिलेंडर लगा हुआ है। चलिए अभी ऑन करते हैं गैस। चलिए अभी गैस अभी ऑन करते हैं। अभी गैस ऑन कर दिए, ऊपर में ये पायलट जलाएगी, मिडिल वाला भी जलाएंगे। इसका 3 लेयर है, ऊपर में, मिडिल में और नीचे में। अभी मिडिल जला लिए, और लास्ट वाला जो लेयर अभी जलाएंगे। और इसके बाद इसका सारे जो टेम्परेचर का जो सिग्नल है इसको अभी हम लोग ऑन करके रखेंगे। देख रहे हैं आप, ये जो 3 सिग्नल दिख रहा है, ये स्टार्ट जो लिख रहा है, ये जो उसका मशीन का ऑन करने वाला। बाकी दो बटन है, इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर 178 डिग्री होने के बाद तो रोटी हम लोग छोड़ पाएंगे। बाकी नीचे वाला जो टेम्परेचर 2 देख रहे हैं, तो सुपर कन्वेयर जो लिखा हुआ है, इसका 225 डिग्री होना चाहिए, तो इसमें क्या है, रोटी अच्छा फुला हुआ रहेगा। दस मिनट के बाद रोटी इसमें हम लोग को छोड़ेंगे। अभी मशीन तब तक गर्म होने दीजिए। अभी हमारा किचन में अभी फुल ऑपरेशन अभी चल रहा है, और इस तरह भी आटा भी मशीन में डाला हुआ है, और आटा लगभग अभी तैयार हो गया है। अभी इसको आटा को निकालते हैं, और ये आटा को थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर गीला कपड़ा ढक देंगे, तो इसमें क्या होगा, रोटी बड़ा मस्त सॉफ्ट होगा। तो अभी छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। इसके बाद अभी 10 मिनट अभी हो चुका है, अभी रोटी का पेड़ा अभी काटेंगे। अभी कैलाश शेफ जो अभी रोटी का पेड़ा भी काट रहे हैं, अब देखिए रोटी का पेड़ा भी कितना स्पीड काट रहे हैं, ज़बरदस्त। अब ये 4 किलो आटा का अभी पेड़ा अभी कट चुका है। रोटी का मशीन का जो टेम्परेचर अभी बराबर हो चुका है। अभी देखिए, ये प्लेट को इस तरफ उठाएंगे, और इसका जो रड रहता इसी मिडिल में इसको घुसाएंगे, और इसका लॉक कर देंगे। ये अभी लॉक हो चुका है, और इसका अभी इसका ऊपर अभी जो ढक्कन मार दिए, बस अभी बस पेड़ा अभी देखिए इस तरह भाई पेड़ा यहाँ पे रखेंगे, इस तरह भी वहीं से इस तरह भी निकलता रहेगा रोटी बनकर, वहाँ चिपक के भी निकल रहे हैं। और देखिए कितना मस्त रोटी अभी फूल के आ रहा है, ज़बरदस्त एकदम फूल का
और रोटी अभी मस्त आ रहा है।